तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक कैसे हैं 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 आप लोग अच्छे बढ़िया फर्स्ट क्लास दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपने एकामे का कैसे चेक करें दोस्तों दोस्तों तब लगाया जाता है जब आपने कफील के पास थे या फिर आप कंपनी से भाग चुके हैं भाग के कहीं और काम कर रहे हैं दोस्तों तब आपकी कंपनी या फिर आपका कफिल कुछ दिन वेट करता है और कुछ दिन वेट करने के बाद आपके एकामे को हरूप में डाल देता है हरूप में डालने के बाद दोस्तों अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको अपने मुल्क भेज दिया जाएगा चाहे आप इंडिया से हैं बांग्लादेश से है पाकिस्तान से नेपाल से श्रीलंका से कहीं से भी है दोस्तों अगर आपका एकामूप में डाल चुका है आपका कफिल या फिर आपकी कंपनी देन दोस्तों श्रोता के पास पकड़े जाएंगे आप तो तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान जहां से भी है वहां आपको भेज दिया जाएगा तो आइए तो चलते हैं फोन की होम स्क्रीन पर आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने एकामे का हरूप कैसे चेक करें इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं पहली बार आए तो प्लीज लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें दे बेलन को जरूर दबाएं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ जाए उसके बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन का गूगल क्रोम या गूगल जो भी है आपके फ़ोन में उसे आप ओपन कर ले ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है एम ओ आई डॉट जी ओ वी डॉट एस ए एक कामा जहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको ये सर्च कर, कर, कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरी वाली वेबसाइट दिख जाएगी डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एम ओ आई डॉट जी ओ वी डॉट ऐसे दोस्तों इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है उसके बाद दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको अगर सर्च करने में प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप वेबसाइट खुल चुकी है फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बॉडर नंबर है तीन ऑप्शन मिल जाएगा आपको पहला है बॉर्डर नंबर रेसिडेंसी नंबर यानी एकामा नंबर और पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास बॉर्डर नंबर नहीं है दोस्तों आप अपने एकामा नंबर से भी अपना हुरूप चेक कर सकते हैं या फिर दोस्तों अगर आपके पास एकामा भी नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट से भी अपना हुरूप चेक कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पर रेसिडेंसी की जगह आपको एकामा नंबर डाल देना है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नेशनलिटी चूज़ कर लेनी है आप कहाँ से हैं इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान जहाँ से भी हैं आप अपनी कंट्री यहाँ पर चूज़ कर लें जैसा कि मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया यहाँ पर डाल दिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे मैंने रेसिडेंसी नंबर की जगह मैंने अपना कामा नंबर डाल दिया है उसके बाद नेशनलिटी की जगह हमने इंडियन डाल दिया है क्योंकि मैं इंडिया से हूँ आप इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान जहाँ से भी वो डाल रहे हैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कोड मिल जाएगा छः डिजिट का यहाँ पे छः डिजिट का कोड है सेम टू सेम कोड आपको वेरीफ़िकेशन कोड की जगह डाल देना है उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना है तो आइए दोस्तों हमने सब कुछ डाल दिया अब हम सर्च पे क्लिक कर लेंगे सर्च पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने जो आपका डिटेल है आपका जो हरूप लगा हुआ है या फिर जो भी है सामने आपका जो स्टेटस है वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है थोड़ा सा वेट कर ले यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अक्सर ट्रैफिक होती है तो दोस्तों फाइनली हमारा जो डिटेल है वो सारी चीज़ सामने आ गई है अब हम दोस्तों थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे स्क्रॉल करते ही दोस्तों नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा सर्च रिज़ल्ट जहाँ दोस्तों यहाँ पे वर्कर नंबर दे दिया गया है द नेम यानी जिनका जो एकामा है वो उनका नाम यहाँ पर आ गया है वर्कर केस जहाँ दोस्तों ये है वही जो आप ढूंढ रहे हैं रूब जहाँ दोस्तों वर्कर्स केस की जगह आपको वर्कर एबसेंट लिख के गया यानी अगर आपके एक पे पर हरूब लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्कर केस की जगह आ, वर्कर केस की जगह आपको वर्कर अपसेंट लिख के आएगा जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे देखते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर लिख के आएगा जब आपको हुरूफ लगा होगा तो नहीं लगा होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज़ीरो आएगा कुछ नहीं लिख के आएगा जिनका ये एकमा है वो खुरु जा चुके हैं इसलिए यहाँ पे ये फाइनल एग्जिट दिखा रहा है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना हुरूप चेक कर सकते हैं घर बैठे बैठे मोबाइल से ऑनलाइन तो दोस्तों बस इतना ही इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी सवाल हो तो बेच देगा आप सवाल कर सकते हैं कॉमेंट्स में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह आप इस दुआ में याद रखें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें